हे गाइस, कुक अमेजिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ फिर से स्नैक्स की रेसिपी। ये आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो स्माइली। ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी होते हैं। गर्मा गर्म पोटैटो स्माइली को आप सर्व कीजिए टोमेटो केचप के साथ या ऐसे ही खाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। यहाँ मैंने लिए हैं 4 बॉइल्ड पोटैटो, ये मीडियम साइज़ के हैं और मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। मैं पोटैटो मैशर की हेल्प से इनको अच्छे से मैश करूँगी ताकि एक भी गुठली ना रहे। ये गर्म पोटैटो हैं इसलिए ये थोड़े अच्छे से मैश हो जाएंगे, अगर ठंडे रहेंगे तो वो अच्छे से मैश नहीं होते हैं। हमने अच्छे से मैश कर लिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और इसमें डालेंगे हम सॉल्ट। सॉल्ट हम बहुत कम डालेंगे, 1 पिंच के अप्रॉक्स ही डालेंगे और नॉर्मल सॉल्ट डाल दे रहे हैं। आप चाहो तो मसाला सॉल्ट हो वो डाल सकते हैं। इसमें और डाल दूंगी मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इसको अच्छे से पाइंट कर लेंगे, बहुत अच्छे से हमें डो लगाना है। हमें ऐसा डो चाहिए है जो हाथ में बिल्कुल चिपके ना, बिल्कुल स्टिकी डो नहीं चाहिए है। ये अभी थोड़ा सा स्टिकी है तो हम इसमें 2 टेबलस्पून के अप्रॉक्स डाल दे रहे हैं कॉर्नफ्लोर। और हमें एक नॉन स्टिकी डो तैयार करना है तो इसके लिए आपको अपने हिसाब से कॉर्नफ्लोर को एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले आप 1/4 कप ही डालिए, आपको लगे कि और डालना चाहिए तो फिर आप 1-1 टेबल स्पून करके कॉर्नफ्लोर डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। हमें इस तरह का डो चाहिए, ये देखो बिल्कुल भी स्टकी नहीं है, हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। हमारा डो रेडी है तो अब हम एक प्लास्टिक सीट ले लेंगे। अगर आपके पास सिलिकॉन की सीट आती है वो है वो तो वो ले लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल प्लास्टिक की सीट ले लीजिएगा। और उसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे हम कॉर्नफ्लोर ताकि ये डो हमारा स्टिक ना हो। और हम इसको एक लोई बना के बड़ी सी और इसको बेलेंगे पतला। हमें इतना पतला चाहिए है कि एक परफेक्ट थिकनेस रहे, जैसे हम उस सांखे बनाते हैं नमक पारे उसकी रखते हैं, उतना पतला डो चाहिए है। तो हम इसको आराम आराम से दोनों तरफ कॉर्नफ्लोर लगाते जाएंगे और बेल कर तैयार कर लेंगे। हमने ये परफेक्ट थिकनेस का बेल कर तैयार कर लिया है और हम किसी एक गोल बर्तन से, ग्लास हो आपके पास या बाउल हो, कुकी कटर हो या किसी का कैप, उससे गोल आकार में काट लीजिए। और आइस बनाने के लिए आपके पास स्ट्रॉ हो तो स्ट्रॉ, नहीं तो टूथपिक तो होती ही है, तो उससे आइस बना लीजिए। इस तरह से मैं स्ट्रॉ की हेल्प से आइस बना रही हूँ। इसमें आप जो भी आकार आइस का देना चाहें वो दे सकते हैं, थोड़ा बढ़ा दीजिए तो लंबा लंबा हो जाएगा। आपको जिस तरह की आइस बनानी हो उस तरह से बना लीजिए। माउथ का शेप हम देंगे स्पून से, थोड़ा सा गहरा रखना है ताकि दोनों तरफ माउथ बन जाए अच्छे से। और इस तरह से हम सारे इमोजी में माउथ बना लेंगे। आपको तिरछा रखना हो थोड़ा माउथ तो तिरछा बना सकते हैं, नीचे की साइड रखना हो तो नीचे की साइड, आपको जो आकार देना है अपनी इमोजी में वो दे सकते हैं। इस तरह से हमने इतनी सारी इमोजी बनाकर तैयार कर ली हैं और बाकी के बचे डो से हम फिर से इमोजी बनाएंगे। इस तरह से हम सारे इमोजी बनाकर रेडी कर लेंगे और उनको थोड़ी देर उनको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। सेम प्रोसेस हमको बार बार रिपीट करना है जब तक हमारा डो खत्म नहीं हो जाता है। इस
तरह से हमने अपने सारे इमोजी बनाकर रेडी कर लेने हैं। और बहुत ही बढ़िया से हमारे सारे इमोजी बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए, मैंने एक इमोजी का दूसरा शेप दिया है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से सारे इमोजी बनाकर तैयार कर लीजिए। ये मैंने एकदम छोटू सा इमोजी बनाया है, ये बाद में बनाया था। इनको फ्राई करने के लिए एक मीडियम हीट वाला ऑयल चाहिए है और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ ज़्यादा नहीं डालने हैं, नहीं तो इनको टर्न करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी और हमारे इमोजी टूट जाएंगे। एक साइड जब अच्छे से सिक जाएंगे तब हम इनको पलट कर दूसरी साइड सेकेंगे। थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं तो इनको पलटने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे इमोजी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है इनको टर्न करते हुए, और इनको एक टिश्यू पेपर पे निकालना है। ये ऑयल इनमें बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है तो हम एक टिश्यू पेपर में निकालने के बाद इनको सर्व करते हैं। इनको मैं सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप के साथ और ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्रंची हमारे इमोजी बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं हमारे ये इमोजी। आप चाहो तो इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं थोड़ा सा चाट मसाला या टेस्टी नमक। बहुत ही टेस्टी हमारे इमोजी बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाएं। जाते जाते आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसे लगे आपको ये पटैटो स्माइली। आप इनको बनाइए, खाइए और खिलाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।